महाराष्ट्र के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने जो बयान दिया है यह निश्चित रूप से निंदनीय के साथ साथ यह देश के सभी राम भक्तों को गहरा आघात पहुंचाने वाला है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंस से आचार्य आज महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेकर के सख्त कार्रवाई की जाए। अगर दूसरे धर्म के विषय में इस तरह का कोई बयान दिया होता तो अभी तक शायद वो जिंदा न होता। प्रभु श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे शास्त्रों में है जब तहकीन राम का निंदा क्रोधवंत अधि भयो कपिंदा। प्रभु श्री राम की निंदा नहीं सुनेगा यह हिंदुस्तान है। और मैं अगर कार्रवाई सख्त नहीं होती है तो फिर एनसीपी नेता जितेंद्र का वध मैं करूंगा। मैं अयोध्या से जगतगुरु परमहंस आचार्य चेतावनी दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। और शास्त्र का ज्ञान नहीं तो पहले शास्त्र का ज्ञान जितेंद्र एनसीपी नेता करें। देखिए एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है, हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसने इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। आवाम तब राइस नहीं था, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हिंदी चालू है, हिंदी शुरू है, हिंदी चालू है, हाँ, हिंदी चालू है, राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं होती है, आपको नजर नहीं आ रही? क्योंकि क्या कंट्रोवर्सी? क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था? आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। भारत को शाकाहारी बनाना चाहते हैं क्या? इस देश के 80% लोग आज भी मांसाहारी है, वो राम भक्ति है ना।